हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण में पद परिचय पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय क्या है? पद परिचय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है व्याकरण का। अब देखिए, पद क्या होता है? पद परिचय को समझने के लिए पहले शब्द और पद का भेद समझना आवश्यक है। तो देखिए, शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। और पद क्या होता है? जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। तो देखिए, उदाहरण राम पत्र पढ़ना, ये क्या है? ये शब्द है। राम पत्र पढ़ता है, राम ने पत्र पढ़ा। इन दोनों वाक्यों में अलग अलग प्रयुक्त होकर राम पत्र और पढ़ता है क्या बन गए? ये पद बन गए। अब ये पद बन गए, तो इस तरह से शब्द और पद में इस तरह से अंतर होता है। शब्द वाक्य में नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं, और पद जो है वाक्य में पिरो दिए जाते हैं। अब है पद परिचय। वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक परिचय, वाक्य में प्रयोग हुआ कोई भी पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी है या अविकारी। यदि विकारी है तो उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, अन्य शब्दों के साथ उसका क्या संबंध है, अर्थात देखिए सबसे पहले उसका हम भेद बताएंगे कि उसका भेद क्या है, उसके बाद उसका उपभेद बताते हैं, और उसके बाद उसका लिंग, और उसके बाद उसका वचन की वचन कितना है, बहुवचन है या एक वचन है, इसके बाद उसका पुरुष, कारक और कौन सा काल है, या फिर अन्य शब्दों के साथ उसका क्या संबंध है ना। और यदि अविकारी है तो किस तरह का अव्यय है वो, तथा उसका अन्य शब्दों से क्या संबंध है, आदि बताना व्याकरणिक परिचय कहलाता है। पदों का परिचय देते समय कुछ बातों को बताना आवश्यक होता है। तो देखिए, सबसे पहले संज्ञा, संज्ञा के तीनों भेद, यदि संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, इसके बाद लिंग उसका, और वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध, और दूसरा है सर्वनाम। तो सर्वनाम में भी सबसे पहले सर्वनाम का भेद, इसके बाद उसका लिंग कौन सा लिंग है, इसके बाद उसका पुरुष कौन सा पुरुष है, वचन एक वचन है या बहुवचन है, फिर कारक और क्रिया से उसका क्या संबंध है। इसके बाद आता है विशेषण। तो देखिए, सबसे पहले विशेषण के भेद, इसके बाद इसका लिंग बताते हैं, इसमें कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, इसके बाद वचन एक वचन है या बहुवचन है, और उसका विशेष्य क्या है, विशेष बताना भी आवश्यक होता है। अब है क्रिया, क्रिया के भेद, सबसे पहले क्रिया है तो कौन सी क्रिया है, उसका क्या भेद है, इसके बाद उसका लिंग कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, वचन है तो एक वचन है या बहुवचन है, पुरुष है तो कौन सा पुरुष है, काल है तो कौन सा काल है, काल आप सब लोग जानते हैं, इसके बाद वाच्य, वाच्य में पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, तो वाच्य भी बताना है, इसके बाद धातु, कर्म और कर्ता का उल्लेख, ये सारी जानकारी भी हमें देनी होती है। इसके बाद है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का भेद, क्रिया विशेषण का भेद क्या है, तथा जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसका उल्लेख। इसके बाद है समुच्चबोधक। तो देखिए, समुच्चबोधक का भेद, जिन शब्दों या पदों को मिला रहा है उनका उल्लेख। समुच्चबोधक क्या काम करते हैं? समुच्चबोधक दो पदों को आपस में मिलाने का काम करते हैं, ये आप लोग जानते हैं, तो उसका हमें उल्लेख करना है। इसके बाद है संबंध बोधक, भेद जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है उसका उल्लेख। इसके बाद है विस्मयाद बोधक। तो देखिए, विस्मयाद बोधक में क्या होता है? हर्ष, भाव, शोक, घृणा, विस्मय आदि किसी भी एक भाव का निर्देश, जो भी भाव उसमें उजागर हो रहा है उसी का हमें उसमें निर्देश देना है। धन्यवाद।